श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा के साथ 10 दिनों के गणेश उत्सव का समापन और गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन अनंत धागे की पूजा कर कलाई पर बांधना शुभ होता है। दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2023 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि नियम और अनंत सूत्र कब और कैसे बांधा जाता है, इसके बारे में। साल 2023 में अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर दिन गुरुवार को है। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 28 सितंबर की सुबह 6:12 से शाम के 6:49 तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 27 सितंबर की रात 10:18 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर की शाम 6:49 पर। इस दिन सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा घर को शुद्ध कर वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबोकर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र या धागा तैयार कर लें। इस धागे को श्री हरि को अर्पण कर षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु के साथ इस सूत्र की पूजा करें। पूजा के बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद पुरुष दाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र को बांध लें। पूजा के दौरान पीले पुष्प, फल, धूप, दीप व तुलसी दल, पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। हरि अनंत है और अनंत धागे पर लगाई जाने वाली ये 14 गांठ हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोगों को प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन बांधा गया यह रक्षा सूत्र व्यक्ति की हमेशा रक्षा करता है और उसके जीवन से सभी परेशानियों को दूर कर देता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अनंता या अनंत सूत्र रेशम के धागे से बना होना शुभ होता है। इस अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही बांधा जाना चाहिए और इसमें 14 गांठों का होना आवश्यक होता है। पुरुष इसे दाहिने हाथ में और महिलाओं को अपने बाएं हाथ में बांधना चाहिए। अनंत सूत्र को धारण करने वाले व्यक्ति को पूरे साल बांधना चाहिए। यदि पूरे साल नहीं बांध सकते हैं तो कम से कम 14 दिन इसे अवश्य धारण करके रखना चाहिए। अनंत सूत्र को उतारने के बाद इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए बल्कि हरे पेड़ पौधों की जड़ में या बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए।